नमस्कार साथियों, तो आज हम आए हुए हैं अमरावती। अमरावती के 50 किलोमीटर दूर एक परतवाड़ा करके एक जगह है, छोटा सा टाउन है जो कि नगर परिषद के अंदर आता है। तो अभी हम लोग इस होटल के होटल में रुके हुए हैं। अभी यहाँ पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में जा रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं ये जो टाउन है, एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं आप। उसके बाद दिखाएंगे आप पूरा यहाँ का सिटी दिखाएंगे। और अब ये परतवाड़ा से आज से 10 दिन पहले न्यूज में भी था, सुर्खियों में था। आज से 10 दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ की न्यूज़, काफ़ी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके कारण ये चर्चा का विषय था। तो आप दिखाते हैं ये पूरा शहर, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और हमारे ये बिल्लू भैया है, सब लोग अपने नाम बताए पहले। तो भाई ये हमारे मौसा जी हैं, और ये भाई साहब हैं, और ये हमारे कैप्टन हैं जो हमारे जो जिन्होंने हमें हेलो फ्रेंड्स आए हैं और पूरा मैनेज कर रहे हैं। ये इनसे मिलाइए, और भाई साहब हैं जिन्होंने एसी किसने सही किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पास में ही लगभग 700 मीटर की दूरी पर बाघा माता का मंदिर है, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। माता बाघा माता के मंदिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ जाते हुए आपको पूरा यहाँ का थोड़ा सा आपको मार्केट दिखाएंगे, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो हमको दिखेंगी। और हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं, जहाँ ये बिल्डिंग देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन पर है, और ये पूरी रूट सन सूरज को देख सकते हैं अपनी कितनी ज़्यादा तपन के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ ये जो लोग आए हैं भाई साहब लोग, इन लोगों को चाय पीना है, जस्ट अभी आए हुए हैं आप। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ बड़ी अच्छी करी, इन्होंने कार्यालय तो बिल्कुल 5 स्टार की तर्ज पर बनाए हैं। हमारे जबलपुर का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये अभी एक चौराहा आ गया है, यहाँ से हमको राइड लेना है। और आप देख सकते हैं ये हरियाली, यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा इस प्रकार का है जो हमें नज़र आ रहा है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है भाई महाराष्ट्र में, बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। गर्मी टेम्परेचर बहुत ही अधिक है, इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा लोगों से अधिक पेड़ों को लगाएं और हमारे इन्वायरमेंट को वातानुकूलित रखें, पेड़ों को बचाएं, पेड़ ना काटें, हमें ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि दोस्तों जब आप मंदिर जाएंगे ना, तो आपको मंदिर के बाहर एक बहुत ही प्यारी सीनरी बनाई गई है जो कि आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सीनरी बनाई गई है, यहाँ पर बैलगाड़ी बनाया, बैल को दिखाया गया और किसान को दिखाया है, और साथ में यहाँ जवान को भी दिखाया, जो हमारे भारत देश पे जो हमारी आज जो हम इतना आज़ाद और फ्रीडम की तरह घूम पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों के वजह से। और देख के यहाँ लिखा भी है जय जवान और जय किसान, और जैसे देख पा रहे हैं आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा यहाँ का नज़ारा है। और इस प्रकार देखिए वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि नहा रहे हैं नल पर। और देखिए दोस्तों ये हमारे देश का फ्लैग है दोस्तों। और साथियों अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो चार शख्स जो खड़े हैं, आप अगर गौर से देखेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे देश के जो तमाम समुदाय हैं उनके भाईचारे को दर्शाया गया है। नीचे पे पूरा चार कौम के जो लोग, चार समुदाय के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो हमारे देश के भाईचारा का प्रतीक है। और ये है हमें दोस्तों अपने देश में भाईचारा को बना के रखना है, ख़त्म बिल्कुल ना हो। और दोस्तों आज का जो भी माहौल है उसको बहुत अच्छा बना रहा, हमें अपने देश को एक होना है, बिखर के तो बिल्कुल भी नहीं रहना दोस्तों। क्योंकि ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, एक तिरंगा के नीचे बहुत ही प्यारा लगा, ये देख दृश्य देखकर मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा लगा दोस्तों। आई एम प्राउड ऑफ यू, जय हिंद सर। तो फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं और अब हम मंदिर की ओर एंटर करेंगे और मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे माता के। और देखिए हमारे साथ लगभग हम लोग 6 लोग हैं, चलो हम लोग 9 लोग आए थे, 3 लोग जो हैं जो कि कोल्हापुर निकल गए हैं। बाप ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग बाघा माता के मंदिर आ चुके हैं, और ये यहाँ का गेट है, एंट्री गेट। तो अभी हम कैंपस के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए लोग बुलेरो टाटा सूमो में भर भर के लोग आ रहे हैं दर्शन करने। लोगों का आस्था जो भगवान के प्रति है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो खूबसूरती है ना, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। हमारे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यार जहाँ पेड़ों की पूजा करते थे। आप उनसे पूछिए आज पेड़ों का महत्व, दुनिया हमें पागल कहती है, अरे ये पागल हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं दोस्तों। वो पीपल, वो बरगद जिसकी हम पूजा करते हैं 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं,
पूछो उनसे जिनको भी ऑक्सीजन की कमी थी कोरोना के टाइम पे, वो बताएंगे आपको ऑक्सीजन की कितनी महत्वता थी। और दोस्तों इसलिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही सभी को भगवान नहीं कहा गया, वायु को भगवान कहा गया, आसमान को, धरती को, सबको भगवान, नदियों को तक हमने माता का दर्जा दिया है। यहाँ का कैंपस बहुत ही प्यारा है और वो छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति भी लगी हुई है। दोस्तों मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि मेरे ख्याल से राजस्थान से लाए हैं, बलुआ पत्थर रेड कलर का, वो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन पर है और ये पत्थर डले हुए हैं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा पत्थर है ये। देखिए दोस्तों ये नक्काशी की गई है। दोस्तों तो मंदिर में भजन कीर्तन चलने लग रहा है और ये रहा पूरा मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ आगे जो हमें शांति की अनुभूति हो रही है वो मुझे नहीं लग सकता, वो ये सिर्फ नेचर में जो है और भगवान के जब मंदिर अंदर जाते हैं ना आप, मंदिर वगैरह में जाते हैं वहाँ हमें इतना प्यारा लगता है। और आप ये देख सकते हैं पूरा मंदिर और ये मंदिर का कैंपस है जहाँ पर अभी भजन भी चलने लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों पीपल का पेड़, इस पीपल की पूजा करते हैं जो कि हमें दोस्तों 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, देख सकते हैं आप। ये पूरा मंदिर है तो सूरज देखिए अस्त होने की स्थिति में है, कुछ ही समय बाद सूरज अस्त हो जाएगा और पूरा यहाँ का कैंपस हम आप। तो दोस्तों ये इस प्रकार का कुछ यहाँ का कैंपस है और यहाँ पर महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, आपको गली गली चौराहों में महाराष्ट्र शिवाजी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ का कैंपस है जो कि बहुत प्यारा है और ये देखिए यहाँ पर भी पीपल के वृक्ष लगा हुआ है एक छोटा सा, ये देखिए दोस्तों तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। बस बहुत ही प्यारा दोस्तों ये देखिए मंदिर है, देखिए इस प्रकार है कुछ। तो दोस्तों यहाँ देखिए भजन हो रहे हैं और आप ये देख सकते हैं इनका भजन भी सुन सकते हैं आप। दोस्तों ये रहा मंदिर और मंदिर की आप नक्काशी तो देख ही सकते हैं कितनी प्यारी है। एक बार मंदिर की हम परिक्रमा कर लेते हैं और ये देखिए दोस्तों मंदिर में जो हमारे हिंदुस्तान में ये कला रही है कि हमारे मंदिरों में जो नक्काशी करी जाती है वो बेहद खूबसूरत होती है। और ये इसमें कोई पिलर नहीं है, इस पत्थर में पूरा बलुआ पत्थर जो रेड पत्थर मेरे ख्याल से ये राजे पत्थर जो कि हमारे राजस्थान में ही पाया जाता है। और ये पूरा मंदिर है देख सकते हैं आप, बहुत छोटा सा है पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे से भगवान भी रखे गए हैं। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा बाघा माता का मंदिर जो माता की दर्शन कर लेते हैं हम। Yeah.
देख सकते हैं, ये फोटो शूट करवा रहे हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं सनराइज पॉइंट, जो सूरज का उदय कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। और देखिए सूरज ने बिल्कुल मंदिर में चार चांद लगा दिए मंदिर की जो खूबसूरती में। और आगे चल के और भी स्टैचू हैं, दिखाते हैं आपको पूरा। ये जो स्टैचू कितना प्यारा लग रहा है, इसने इन्होंने एक पत्थर को अपने ऊपर उठाया हुआ है। और ये पीछे जो हम देख पा रहे हैं आप मंदिर है, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों आप सभी के दोस्तों प्यार ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। दोस्तों ये स्टैचू बहुत ही प्यारा और लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं पूरा अट्रैक्टिव, ये कितना प्यारा लग रहा है। देखिए पीछे मंदिर है और ये स्टैचू है, जो बाकी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती लग रहा है। यहाँ की खूबसूरती में तो चार चांद लग गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्टैचू लग रहा है ये। और ये देखिए पूरा स्टैचू, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। दोस्तों कितना वजन उठाया हुआ है। दोस्तों पहले के ज़माने हमारे योद्धा इतनी ही ताकतवर हुआ करते थे। छत्रपति जी शिवाजी के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि कितने हमारे यहाँ के वीर योद्धा हुआ करते थे। जो छत्रपति जी शिवाजी हैं दोस्तों, उनके तो तलवार ही 40 किलो की हुआ करती थी, सोच सकते हैं आप। उसी प्रकार और उसी से प्रभावित होते हुए मुझे लगता है इस स्टैचू को बनाया गया और दिखाया गया कि हमारे देश में कितने वीर लोग थे। तो आप सभी के प्यार की और आपके इतने सपोर्ट की वजह से आज हमारे सब्सक्राइबर लगभग 1000 होने वाले हैं। बस कुछ ही चंद मेरे ख्याल से 25 से 30 सब्सक्राइबर कम रहे हैं, और 1000 का टारगेट जो यूट्यूब की कंडीशन है फुलफिल कर लिए बहुत ही जल्दी। लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ और 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जबलपुर वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और दोस्तों जल्दी से जल्दी आगे हमारे इस परिवार को बहुत बड़ा करना है, और हम आपको पूरा इंडिया टूर करके दिखाएंगे। जैसा कि अभी हम आ गए हैं अमरावती के पास, महाराष्ट्र में है ये परतवाड़ा, आंचलपुर में है। वहाँ हमारा एक काम भी है जिसको करते हुए हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और ये पूरा यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो हमारे पीछे देख सकते हैं कितना गजब का तरीके गार्डन लग रहा है। दोस्तों अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे भाई, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बटन दबा लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर।